तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। जैसे कि आपको पता है, आजकल स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, वॉलेटिलिटी चल रही है, इसलिए आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करने चाहिए और उनमें एवरेज करके सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ये एक मौका होता है कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को लो प्राइसेस पे पिक कर सकते हो। तो जब भी मार्केट रिकवर कर गई तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की, दैट इज़ MCX के शेयर की। तो ICICI सिक्योरिटीज़ इस पर बहुत ही ब्यूलिश हैं, एड की कॉल दे रहे हैं फॉर ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹1965। तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं और इसके टारगेट का टाइम पीरियड भी जानेंगे और इसके फाइनेंशियल ग्रोथ का पैटर्न भी चेक करेंगे। आप एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके जो स्टॉक का टारगेट का टाइम पीरियड जान लेते हैं। तो आप देख सकते हो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से MCX पे 1965 के टारगेट आ रहे हैं एंड द टाइम पीरियड गिवन बाई द एनालिस्ट इज़ 1 ईयर वैन दिस स्टॉक कैन रीच द डिफाइंड टारगेट। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो देखा जा रहा है। आइए सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये 2002 में शुरू हुई थी। ये एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखें तो दैट इज़ नियरली ₹8,708.99 करोड़ एंड दिस कंपनी इज़ ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम करती है। इसके की प्रोडक्ट्स एंड रेवेन्यू सेगमेंट्स देखें तो दैट इंक्लूड्स द फीस एंड अदर चार्जेस एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यदि इस कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक करें फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द सितंबर 21, इसकी जो टोटल इनकम थी दैट वाज 99.26 करोड़। इट इज़ रिड्यूस्ड बाई 8.89% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड दिस इनकम हैज़ बीन इंक्रीज बाई रिड्यूस्ड बाई 27.82% ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। तो आप देख सकते हो इस कंपनी की जो इनकम है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रही है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करें तो यहाँ पे 33.20 करोड़ देखने को मिल रहा है बड़ा, और इस कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया हुआ है। आइए अब हम इसका इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। द की क्वेश्चन फॉर द MCX इज़ इट्स अबिलिटी टू रिकवर लॉस्ट वॉल्यूम्स पोस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द हायर मार्जिन ट्रेडिंग नॉर्म एंड एस्टेब्लिश द बिजनेस ट्रैक्शन इन द न्यू प्रोडक्ट्स। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस को थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। बेसिस दैट इज़ हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 ADTV एंड अक्टूबर 21 ट्रेंड बुई फैक्टर इन फ्यूचर्स ऑप्शन ADTV ऑफ ₹300 बिलियन पर 80 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22E एंड 400 बिलियन एंड 200 बिलियन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23E। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ शो कर सकता है। आने वाले टाइम में जो ब्रोकरेज है इसके जो बिजनेस के ऊपर बहुत ही ब्यूलिश है। द ब्रोकरेज कंटिन्यूज टू रीट्रेट दैट द ADTV रिकवरी नीड नॉट नेसेसरीली बी लीनियर एंड द MCX रिमेन्स वन ऑफ द बेटर प्लेस ऑन द कॉमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे कॉमोडिटी प्राइस में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो इस कंपनी को मेजर उसका जो है बेनिफिट देखने को भी मिलेगा। वाइल एनी सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन द ऑप्शनैलिटीज रिमेन डिस्टेंट, इंक्रीज इन द ऑप्शन वॉल्यूम्स कैन बिकम ए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थीसिस। तो देयर फोर इट हैज़ मेंटेन्ड एड विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹1965। तो ब्रोकरेज इस पर बहुत ही ब्यूलिश हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं, और यदि इस स्टॉक की करंट प्राइस देखें तो 1665 की निकल कर आ रही है और इसमें 3.21% का डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया है ऑन द फ्राइडे। यदि इस कंपनी के डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे रिटर्न्स देखें तो एक दिन में 3.21% का डाउन ट्रेंड है, 1 मंथ में 2.73% की डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन 3 मंथ्स में इस स्टॉक में 11.12% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। 1 ईयर में 3.26% की तेज़ी है, कोई ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है, बहुत ही रेंज बाउंड काम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर।
लेकिन 3 ईयर का डाटा बहुत ही बढ़िया रिटर्न शो कर रहा है, 136% के रिटर्न शो कर रहा है। 5 ईयर का डाटा यहाँ पे 34.13% के जो रिटर्न हैं वो शो कर रहा है। तो ओवरऑल 3 ईयर का डाटा बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिला है। यदि इसके की मीट्रिक्स देखें तो पीई रेशो इज 46.48, ईपीएस टीटीएम इज नियरली 35.82, डिविडेंड यील्ड इज आल्सो गुड 1.66, मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली रैंक इसका 19 है, मार्केट कैप पर शेयर 19.75 का है। 52 वीक हाई देखें तो 2135 का है, 52 वीक लो जो है वो आप देख सकते हो 1432 का है। तो बहुत ही बढ़िया इस कंपनी ने अपने लोअर लेवल से रिकवरी भी शो की है। प्राइस टू बुक रेशो इज 4.65, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 370 की है, बीटा 1 मंथ से 2.32 का है, फेस वैल्यू इसकी जो है वो 10 की निकल कर आ रही है। और यदि इस कंपनी के रिकमेंडेशन देखें, जो डिफरेंट रिकमेंडेशन हमारे पास आई हुई हैं उस पर 4 आर द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, 3 इस पर बाई की रिकमेंडेशन है, 4 आर बाई स्ट्रॉन्ग बाई, 3 आर बाई, होल्ड इज़ 1, सेल इज़ 2 एंड स्ट्रॉन्ग सेल इज़ 1। तो ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है बाई से लेके होल्ड का निकल कर आ रहा है। तो वी आर गिविंग ए बाई रिकमेंडेशन आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट एनालिस्ट, दैट इज 11 एनालिस्ट हैज़ गिवन देयर रिकमेंडेशन ऑन दिस स्टॉक। अब इसके शेयर होल्डिंग का पैटर्न हमें यदि चेक करें तो प्रमोटर्स के पास कोई भी स्टेक नहीं है फ्रॉम द मार्च 21 टू सितंबर 21। FIIs का डाटा देखें तो यहाँ पे 37.959% से रिड्यूस होके 36.03% हो गया है फ्रॉम द मार्च 21 टू सितंबर 21। DIIs का डाटा देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, 39.81% से बढ़कर 41.87% हो गया है। म्यूचुअल फंड्स का डाटा देखें तो यहाँ पे भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अदर्स का डाटा देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो स्लाइट रिडक्शन देखने को मिल रही है। इन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड्स हैं DIIs हैं वो इसमें अपना स्टेक जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इन द एंड हम आपको यही कहेंगे जो जो स्टॉक है आजकल आपको बहुत ही बढ़िया प्राइसेस पे मिल सकता है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है करंट वो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी, अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएगी। तो इसलिए आप इस स्टॉक को इस लेवल पे इंटर कर सकते हो। आने वाले टाइम में जैसे ही ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस स्टॉक में ज़रूर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। इसका जो टारगेट हमने बताया है उसके अकॉर्डिंगली आप इस स्टॉक में नेक्स्ट 1 ईयर के लिए पोजिशन बना सकते हो। लॉन्ग टर्म के ये जो स्टॉक है ये एक अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। एंड में हम आपको यही कहेंगे यदि आपने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक पिक करने होंगे और उनको जो है लो वैल्यूज़ पे पिक करना होगा। जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो ये एक अच्छा मौका होता है कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इंटर कर सकते हो और उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। जब भी मार्केट रिकवर करेगी तो आपको ज़रूर आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो एंड में हम आपको कहेंगे यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा।